बगोदर पुलिस ने जमीन से खुदाई कर केस लेन देन से संबंधित एक मशीन को किया बरामद। जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के डोरियों में जीटी रोड के किनारे जमीन में गाड़ा एक मशीन को बगोदर पुलिस ने बुधवार की देर शाम बरामद की है। इसके ऊपर में कैश डिस्पेस व एटीएम सेफ लिखा हुआ था। इससे यह प्रतीत होता है कि केस लेन देन से संबंधित यह मशीन है। वहीं पुलिस इस मामले में विशेष जानकारी नहीं दे पा रही। इधर मामले की जानकारी मिलने पर बगोदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार पुलिस बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचे। जेसीबी मशीन से खुदाई कर मशीन को बरामद कर बगोदर थाना ले आई। वहीं मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। मामले की जानकारी मिलने पर बगोदर के ऊपर में हरेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। अभी सूचना मिली कि डोरियो जो एनएच है, एनएच से लगभग कुछ दूरी के अंदर में एक बॉक्स मशीन पाया गया जमीन के अंदर में, महिलाएं देखी थी। और इसके बाद गांव के लोगों को जानकारी दिया। इसके बाद गांव के लोग सूचना मिलने के बाद आए तो उसकी खुदाई करने के बाद पता चला उसमें एक उसके ऊपर में लिखा था कैश मशीन। तो इसको लेकर के फिर थाना को सूचना दिया गया और इसी के उपरांत में ग्रामीण लोग जुटे और इसके पश्चात थाना के भी पूरे प्रशासन बगोदर प्रशासन आई और इस मशीन को अभी जब्त किया गया है। लेकिन हमको लगता है कि इस तरह की जो घटना है ये कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है और हमको लगता है पूरी जांच का विषय है। और हम सचमुच में इस पूरे जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इस तरह का जो भी चीजें हैं इसका निष्पक्ष रूप से जाँच हो कि आखिर ये मशीन डोरियो गाँव में ही क्यों जमीन के अंदर में पहाड़ी पे गाड़ा गया। ये बहुत ही संदिग्ध विषय है, इसलिए मांग करता हूं कि इसका जांच हो और जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई हो। वीडियो बना रहा है, जब आग लगा रहा था तो कौन बनाया वीडियो?